अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी जो है हम लोगों को रात को एक चुल उठी है कि हम लोग ना अभी पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खा के आते हैं। तो अभी बस हम लोग उठ रहे हैं और पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। अपने बेटे को जो है मम्मा के पास छोड़ के जा रही हूँ, वो सो रहा है अभी। और मम्मा को पता है कि जब वो उठेगा तो उसको जो है ना दूध पिला देना, सारी चीज़ें पास रखती हैं। तो अभी मैं जाऊँगी और हम लोग खा कर आएँगे जी पिज़्ज़ा। बाकी जी आफ्टर डिलीवरी लाइफ अपडेट ये है कि अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि दोबारा से वेट गेन भी करना स्टार्ट हो गई हूँ और खा रही हूँ अच्छा खासा। तो अब वेट भी गेन हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पेट शेट कोई नहीं निकला। और अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है वैसे, क्योंकि सब कह रहे थे कि पेट तो निकलेगा ही निकलेगा, तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है तुम जो हेल्दी हो जाओगी, हेल्दी नहीं मतलब मोटी हो जाओगी, ये होगा वो होगा। अल्लाह का बड़ा शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हालांकि मैंने कोई एहतियात नहीं किया, एहतियात इन सेंस के पानी नहीं पीना, ये नहीं करना वो नहीं करना, प्यास लगी है पानी भी पिया है। और सौंफ का पानी किसी ने बोला था कि बना के पियो, कोई नहीं पिया मैंने। लेकिन शायद कुछ लोग जो जेनेटिकली होते हैं और मैं भी उनमें से हूँ जेनेटिकली, कि मेरा कोई इशू ही नहीं बना। और असल में मेरी मदर जो हैं वो भी स्मार्ट ही हैं और मेरे फादर भी स्मार्ट ही हैं, फिर आगे से हम लोग भी पतले पतले से ही हैं। तो इसलिए शायद जो है मैं इस तरह से वेट नहीं मैंने गेन किया। और कुछ जो है मेरी प्रेगनेंसी बड़ी टफ थी, टफ इन अ सेंस के मुझे जो है नोज़िया बहुत ज़्यादा रहा, वॉमिट, स्ट्रेस बहुत लिया मैंने, खाया पिया कुछ नहीं, उस वजह से जो है मैं उस वजह से टफ़ कह रही हूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि कोई और मेजर इशू नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो जी चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, साथ में मैं आप लोगों को अपडेट रखती हूँ। जी हमारी सोसाइटी का पार्क है और हम लोग जो है भाग भाग के जाने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद को आगे आगे भेज दिया हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी के पास ही जो है फ्राई चिक बना हुआ है कि जाके अहमद तुम उन्हें रोको क्योंकि 12 बजे जो है बंद हो जाएगा। और फिर हम लोग जो है पीछे पैदल पैदल आ रही हैं भाग भाग के। फाइनली जी हमारा बैड लक, फ्राई चिक तो बंद है। तो अब जो है पास में है पिकोसो और एक है मैकडोनल्ड डोनर, और जिसके ऊपर पिज़्ज़ा मिलता है, बर्गर भी नहीं, देख ले जिसके लिए बिग नो है। बाय वही ना, मतलब अब हम लोग घर जाके ऑर्डर करेंगे फटाफट। मिशाल जो है नंबर निकाल रही है कहीं वो भी बंद ना हो जाए। फाइनली जी प्लीज नो स्प्राइट, जी नहीं स्प्राइट ही लेनी है। अब जो है हम लोग चले घर को, ये डॉक्टर नूर के घर, ये हम लोगों की टोली जो है वापस जा रही है। ये हमारा सरबराह है जो सबसे लेट है और हम लोग जो है इसके पीछे पीछे इसको फॉलो करते जा रहे हैं। फाइनली जी पिज़्ज़े आ गए हैं, ये मैंने खोलती हूँ और फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये रात के 12 बज गए हैं, अब तो खैर 1 बज गए और हम लोगों को ना ये एक रोज़ ही तकरीबन रात को ना हमें कुछ ना कोई कीड़ा काटता है, फिर हम लोगों का दिल करता है फ़ास्ट फूड खानी है। और भलवाल में जो है सब जो है मैक्सिमम 12 बजे तक सब बंद हो जाता है, तो हमें अपने दिल को समझाना पड़ता है कि भैया जो खाना है 12 से पहले खाओ। जब भलवाल के पिज़्ज़ों का सबसे ज़्यादा मज़े की बात पता है क्या है, जो भी पिज़्ज़ा मंगवाएं सेम आता है, सिर्फ इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन है जो कि अब हमें नहीं पता है क्या है। और ये दोनों फजीता है, और हालांकि एक में जो है एलापिनो है, दूसरे में एलापिनो नहीं है, नहीं है छोटी छोटी सी। और आप जो भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे आपको यही वाले पिज़्ज़े मिलेंगे। तो खैर यह कि क्रेविंग तो ख़त्म हो जाती है, एटलीस्ट आप प्रॉपर टेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन यह है कि फ़ास्ट फूड का आपके जो शौक़ होता है वो तो ख़त्म हो जाता ना। पिज़्ज़े का टेस्ट इनका अच्छा है नो डाउट, लेकिन जो भी ऑर्डर करोगे आएगा यही वाला। तो खैर मज़े का है, तो अगर आप लोग भलवाल रहते हो तो पिकासो का ये पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप जहाँ मर्ज़ी रहते हो आपने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, प्लीज़ अपनी बहन को सब्सक्राइब करो। आजकल मैं डेली व्लॉग लगा रही हूँ तो आप लोगों ने ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना है। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।